Hello everyone, welcome everyone to our own channel Let's Play with Economics. So guys, हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में नेशनल इनकम का पहला मेथड डिस्कस किया था, दैट वॉज वैल्यू एडेड मेथड. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड एंड हमारा इनकम मेथड. सो आई एम स्टार्टिंग अप विथ इनकम मेथड. सो इनकम मेथड की हेल्प से, जैसे हमने वैल्यू एडेड में पढ़ा था कि बाय यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड यू वर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी. सो विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड आप कैलकुलेट कर पाओगे वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी. ठीक है, इनकम मेथड की वजह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे एनडीपी एट एफसी. सो इनकम मेथड में बेसिकली इसके फॉर्मूले में तीन चीजें इंक्लूड होंगी. पहली होगी आपकी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरी चीज होगी आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी आपकी इंक्लूड होगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीन चीजें आप इंक्लूड करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी बाय इनकम मेथड. अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये तीनों गिवन है देन वेल एंड गुड, बट समटाइम्स क्वेश्चन में इनकम मेथड में आपको डायरेक्टली ये तीन मेन हेड्स गिवन नहीं होते, उसके पार्ट्स गिवन होते हैं. सो नाउ लेट्स सी कि उसके पार्ट्स क्या क्या है. सो पहला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपका आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. यहाँ पे याद रखना वी आर डीलिंग विद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करोगे. तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के दो पार्ट्स होगा, एक वेजेस एंड सैलरीज, एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका रेंट, एक होता है आपका प्रॉफिट और एक होता है आपका इंटरेस्ट. रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. प्रॉफिट के भी फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, एक है आपका डिविडेंड, एक है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और एक है आपका कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है, और मिक्स्ड इनकम अपना अकेला का खुद का नाम लेके बैठा हुआ है. सो इनकम मेथड के तीन हेड्स हो गए, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. और फिर ये बाइफर्केटेड है अपनी खुद की कैटेगरीज में. अब एग्जाम में अगर मेन हेड्स हैं तो आपको सब पार्ट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, अगर मेन हेड्स नहीं गिवन है देन ओनली यू विल बी कंसीडरिंग द सब हेड्स. ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जाम में प्रॉफिट गिवन है तो आप उसके पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है उसके पार्ट्स गिवन है तब आप रेंट और इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट के पार्ट्स को कंसीडर करोगे. क्लियर, नाउ लेट्स डिस्कस अ न्यूमेरिकल ऑफ इनकम मेथड. तो देख लेते हैं हम जल्दी से न्यूमेरिकल. इस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की. ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम 2, ये ध्यान रखना कि हमें 2 गिवन है, फ्रॉम नहीं 2, उसकी वैल्यू गिवन है. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कह लो डेप्रिसिएशन गिवन है. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है. कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज. अभी आपको बताया था अगर एम्प्लॉय होता तो फिर भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन एम्प्लॉय होगा तो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते, पहली चीज. दूसरी चीज, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो हम उसके पार्ट्स तो वैसे भी कंसीडर नहीं कर सकते थे, तो अगर एम्प्लॉयर गिवन होता तो भी कंसीडर नहीं कर सकते थे बिकॉज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनडीपी एट एफसी, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि इनकम मेथड की मदद से एनडीपी एफसी आता है, तो वही निकालेंगे. सो सबसे पहले हमें गिवन है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, उसके पार्ट्स गिवन है, एक रेंट भी गिवन है और इंटरेस्ट भी गिवन है. तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गिवन नहीं है, उसके पार्ट्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, और मिक्स्ड इनकम हमें गिवन नहीं है, तो इन्हीं की वैल्यूज रख देते हैं. ये आ गया आपका 700 फॉर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट है आपका 100, इंटरेस्ट है आपका 90, डिविडेंड है आपका 20, कॉर्पोरेट टैक्स है 30 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपका 10. ऐड कर लेते हैं 800, 890,
900, इट इज कमिंग एज 950 करोड़. एनडीपीएफसी कितना आ गया मेरा 950 करोड़. लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एनएनपीएमपी की. सो अब हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएमपी में. सो एनडीपीएफसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपी में. कन्वर्जन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है कन्वर्जन का, आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी है पहली वीडियो. सो एनएन है पहले से ही तो उसको कन्वर्ट नहीं करना. लेकिन डी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस करते हैं, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में हमें टू गिवन है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम प्लस होता टू माइनस हो रहा है. एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, सो एनआईटी विल बी एडेड. सो इट इज 950 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस माइनस 10, और एनआईटी की वैल्यू है आपकी 110. सो ये आ गया 950 प्लस 110, सॉरी 120 माइनस माइनस प्लस, तो 10 और ये आ गया आपका 1070 करोड़. क्लियर हो गया हमने कैसे सॉल्व किया है हमारा इनकम मेथड. अगर किसी को इनकम मेथड में अभी भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड में वैल्यू एडेड में क्या कैलकुलेट हो रहा था, जीडीपीएमपी. इनकम मेथड में एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे जीडीपी एट एमपी, सेम एज वैल्यू एडेड मेथड. सो नाउ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला आइटम जो होता है वो है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी प्राइवेट लोग हैं उनके जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये चार चीजें इंक्लूड होंगी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड में. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेट एक्सपोर्ट्स अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है. कई बार इस वाली टर्म के लिए वो दे देता है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. कई बार कैपिटल फॉर्मेशन के आगे फिक्स्ड वर्ड लग जाता है. सो गाइज याद रखना, जब भी फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ होगा तो आपको चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना है. चेंज इन स्टॉक को ऐड करके आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सो अगर फिक्स्ड लगा हुआ है तभी चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, अगर फिक्स्ड नहीं लगा हुआ है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा. कई बार वो आपको नेट दे देता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर नेट है तो नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, ऐड. यानी अल्टीमेटली हर कंडीशन में मुझे इस वाले फॉर्म में आना है, ठीक है. इस वाली फॉर्म में आने के बाद ही मैं डायरेक्टली अपने फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूं, ठीक है. सो एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम निकालते हैं जीडीपी एमपी बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इंक्लूड्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ लेट्स हैव अ व्यू ऑन द न्यूमेरिकल. सो नाउ लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड. तो इस वाले क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और हमें ये आइटम्स गिवन है, ठीक है. अब हम सबको पता है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी. तो जीडीपी एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है हमारी, 900. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 200. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो यहां पर नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है, नेट भी दे रखा है और फिक्स्ड भी दे रखा है. तो हमें ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 में हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा. क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इग्नोर कर देंगे. जो वैल्यूज गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है ठीक है. तो क्योंकि डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो डायरेक्टली वो क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक. और फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के लिए हम चेंज इन स्टॉक भी प्लस करेंगे. सो दिस इज प्लस माइनस 20, ठीक.
नेट एक्सपोर्ट्स प्लस होते हैं लेकिन क्वेश्चन में नेट इम्पोर्ट्स गिवन है तो हम इसे माइनस कर देंगे। अब अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 1100, दिस इज कमिंग एज 100 माइनस 10, सो ये आ गया आपका 1200 माइनस 10, दैट इज 1190 करोड़। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम वैल्यू एनएनपीएफसी की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो इग्नोर, डी से एम पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। ये आ रहा है 1190, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड माइनस 10 और एनआईटी 150, 1190 माइनस 160 ये आ रहा है आपका 0 1030 करोड़। क्लियर हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करनी है। सो विद दिस हमारा नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मेथड में, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए। सो वील मीट विद अ न्यू वीडियो इन आर नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।